नमस्कार, मैं संचित मलिक, आप देख रहे हैं दैनिक पाठक पक्ष। फिलहाल इस समय मौजूद हूँ हांसी में। हिसार रेंज के एडीजीपी श्रीकांत जाधव जी आज हांसी पहुंचे हैं। सारी पुलिस बल यहाँ पर हांसी सड़कों पर तैनात कर दी गई है और हांसी श्रीमती नीतिका गहलोत भी इस समय उनके साथ हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर हिसार चुंगी पर और हिसार से इस समय लौटे हैं और हांसी में शहर का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है और चौक पर है भी या नहीं, सभी SHO यहाँ पर हैं। पवित्र सिंह भी सदर थाना के SHO, किशन कुमार सिटी थाना के SHO सभी यहाँ पर हैं। और आपको बता दूं, देर रात को एक अभियान भी चलाया गया था जो अवैध रूप से सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे थे या कोई हत्थों पर पिलाई जा रही थी, अवैध रूप से हत्था चलाया जा रहा था, उन पर भी रेड की गई है। कल रात को 40 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दूं, इस समय हांसी ADGP श्रीकांत जाधव जी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर शहर का मुआयना किया जा रहा है। किस प्रकार से शहर में पुलिस बल तैनात है और किस प्रकार से पुलिस बल अपनी ड्यूटी संभालते हुए नजर आ रही है। फिलहाल श्रीकांत जाधव जी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। वो पहले 2007 में मैं यहाँ SP रहा हूँ और इसलिए इस हिसार हांस तब तो एक ही ज़िला होता था, हिसार हांस तो जगह से लगाव भी आप लोगों से भी लगाव है और इसलिए यहाँ सफाई अभियान चलाना भी ज़रूरी है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो व्यवस्थित होनी चाहिए, उसी का हिस्सा है सीलिंग प्लान है जो हम पूरे रेंज में लगा रहे हैं अभी। उसमें जितने नाके होते हैं हमारे, जितने PCR राइडर्स है, सभी को टेस्ट किया जाता है और सभी को चेकिंग में, सारी फोर्स को चेकिंग में उतारा जाता है। पुलिस कप्तान सभी हमारे बाहर होते हैं, हम भी खुद बाहर होते हैं ताकि हम निगरानी ठीक से कर सकें अपने एरिया की, अपने नाके, अपनी PCR राइडर्स का परफॉर्मेंस देख सके और लोगों को मैसेज दे कि हम खड़े हैं आपके लिए और हम आपकी तकलीफ को समझते हैं। क्रिमिनल स्कोर क्राइम को चेक करने का एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि ऐसे ही किसी के माथे पे तो लिखा नहीं रहता कि वो क्रिमिनल है। ऐसे ही चेकिंग के दौरान हमको कई बार बदमाश तत्व जो है मिल जाते हैं, जैसे अभी जीन में भी हमने पकड़ा है वेपन के साथ सीलिंग प्लान के दौरान। तो यही चेक करने के लिए मैं आज आया था, हांसी की सीलिंग प्लान चेक करने के लिए। सर, हिसार के अंदर आपके सपा सेक्रेटरी आर में जो आपको कुछ तो पता चल रहा होगा हांसी में भी, अगर आप मेरे पत्रकार भाई है तो कुछ हो रहा है यहाँ पर भी और बिल्कुल होगा। जो वहाँ पे सफाई हो रही है वो किसी एक जगह के लिए नहीं है, पूरे रेंज में सफाई चल रही है और एक जगह हम जहाँ जहाँ हमारे हमारी टीम जा सकती है वहाँ वहाँ भेज रहा हूँ और यहाँ पर भी कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे होगी। उसकी जांच कर रहा हूँ, मैं जांच कर रहा हूँ। अच्छा, आपने उन्होंने कहा था कि वो प्रतिमा जो है वो कल आप एक्सपोज करेंगे, क्या आज आपने एक्सपोज की? उसकी जांच होगी और पूरी एक्सपोज होगी जी, जो कुछ होगा सब बाहर आएगा उसमें। तो जांच के बाद बताएंगे आप। अच्छा, किस तरह की बड़ा सिंपल है, इसमें तो क्रिमिनल्स को हमको दबाना है भाई, क्रिमिनल्स को भगाना है यहाँ से और उसके लिए ये सीलिंग प्लान एक तरीका है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर्स, इट्स नॉट द ओनली मेजर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितना जो क्राइम सोसाइटी को अफेक्ट करता है, खास करके छेड़छाड़ है, गुंडागर्दी है, बुलेट पटाखा है, स्पा सेंटर्स है, ओपन में शराब पीना है, महिलाओं की छेड़छाड़ है, ये पहले काबू कर ले पुलिस मेरी, बड़ा क्राइम हम देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। नार्कोटिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, मैं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अभी तक देख रहा था और हमारा उस पर और क्राइम अगेंस्ट वूमन और नार्कोटिक्स आज के हमारी प्रायोरिटी एरिया है। ट्रैफिक, क्राइम अगेंस्ट वूमन एंड नार्कोटिक्स, ये हमारी प्रायोरिटी एरिया है क्योंकि सोसाइटी को सबसे ज़्यादा तकलीफ इन तीन चीज़ों से हो रही है। क्या सर ट्रैफिक के नियमों का आम आदमी पे तो कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन सरकारी ट्रैफिक जो नियम है उसकी आम आदमी पे तो कानून के लिए पालना करने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन सरकारी गाड़ियों में कोई पालना नहीं करता। सरकारी रोडवेज की बस हो, आपके डिपार्टमेंट की हो या किसी को अन्य डिपार्टमेंट, जैसे पालना नहीं करते, मतलब क्या नहीं करते? सर बेल्ट नहीं लगाते चलते हुए ड्राइविंग सरकारी गाड़ियों में। हाँ जी, सरकारी गाड़ियों में। पुलिस को आप चाहते हैं कि बेल्ट लगा के चले या बाकी लोग? आम आम रोडवेज भी, मैं ये प्रॉपर पुलिस पे नहीं कह रहा, आम सरकारी वाहन। पुलिस वालों को भागना पड़ता है उतर के दौड़, लेकिन
लेकिन ये है कि ये नियम कोई ये इसके लिए कोई अपवाद नहीं है, नियम सबके लिए एक जैसे है, पब्लिक के लिए और उनके लिए अलग नहीं, सभी को फॉलो करना चाहिए। और जहाँ जहाँ नोटिस में आता है संबंधित विभाग को भी हम लिखते हैं, उनको भी बताते हैं। आज आपका अभियान भी चल रहा है तो इसमें भी सरकारी जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं कर रहे, नहीं रोका जा रहा सर आज भी? सरकारी गाड़ियों का जो मुद्दा है वो भी साथ साथ हम देखेंगे, और सरकारी वाहन हम भी इस नियम के ऊपर नहीं है, पुलिस भी इससे ऊपर नहीं है। हमने भी ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी चाहिए, हमने भी हेलमेट पहनना चाहिए, और ये धीरे धीरे आप देखोगे कि ये विभाग भी ये सब करेगा। सर, डे के अंदर ना चैन स्नैचिंग, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप सबके स्पोक्स पर्सन ये है क्या? नहीं कर रहे हैं, कहाँ के एनक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं सर? सिटी में जो भी एनक्रोचमेंट है, ट्रैफिक अलर्ट का सर, ट्रैफिक होता है जहाँ वहाँ पे पैदल चलने वाले यात्री को भी जंतर सर आदमी को जाम लगते हैं, जैसे पर्सी गेट का एरिया होगा, उमरा गेट का एरिया होगा। We can find it out कहाँ पर encroachments हैं, we can take it up with the corporation। हम लेंगे इसका, आप मुझे details भी दे दो और हम अपने level पर भी जांच करा लेंगे। सर, अभी तक हाँसी और हिसार जिले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अवैध शराब के मामले? बहुत लोग गिरफ्तार, रोज ही रेड हो रही है इनकी। तो मेरे ख्याल से हिसार में तो लगभग अभी वो बंद हो गया, हाँसी में बंद हो जाएगा अभी एक दो दिन में। ओके, थैंक यू।